हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, खूबसूरती का मतलब सिर्फ चमकती हुई स्किन नहीं होती है। खूबसूरती का मतलब सिर्फ लंबे, घने और मुलायम बाल नहीं होते हैं, बल्कि खूबसूरती का मतलब होता है आपके चेहरे की वो स्माइल, वो मुस्कुराहट, जिसे जैसे ही आप थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तो अंदर से आपके दांत बाहर की तरफ झांकने लगते हैं। और ये दांत अगर चमकदार ना हो, इन दांतों पर अगर टार्टर जमा हो, गंदगी जमा हो या प्लाक जमा हो, और इन दांतों के ऊपर बहुत सारे पीले ब्राउन कलर के अलग अलग तरह के धब्बे हों, तो डेफिनेट आपकी स्किन और आपके खूबसूरत बाल इस खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अपने बालों से प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके दांतों से भी प्यार करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप बोलेंगे या जब भी आप मुस्कुराएंगे, तो सबसे ज्यादा ध्यान सामने वाले का जाता है आपके मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए दांतों पर। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में, जिसे अगर आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसे आपको रोज इस्तेमाल करना होगा, तो डेफिनेटली आपकी जो मुस्कुराहट है उसमें चार चांद भी लगेंगे, और आपके जो दांत हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दाग हो गए हैं या धब्बे हो गए हैं या उसके ऊपर टार्टर जमना लग गया है या फिर प्लाक हो गया है, तो उन सब से भी आपको छुटकारा यहां पर जरूर मिलेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं दांतों की, तो दांतों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं, डेंटल सर्जरीज कराते हैं, डेंटल सर्जन्स के पास जाके बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस कराते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार हमें वो चमकदार दांत नहीं मिल पाते जो एग्जैक्टली हमारी जरूरत होती है। लेकिन हमें किचन के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने दांतों को चमकदार बना सकते हैं। सो ये आपका एक मॉडिफाइड टूथपेस्ट ही हो जाएगा बेसिकली। इसे बनाने के लिए हम एक टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ हम कुछ चीजें ऐसी जोड़ देंगे जिनसे कि वो टूथपेस्ट जो रिजल्ट हमें नहीं दे रहा था, वो रिजल्ट अब हमें यहां पर मिलने लगेंगे। सो कैसे इसे बनाना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हमें यहां पर चाहिए कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर जो है वो हम यहां पर 1 टेबलस्पून लेंगे। आप इंस्टेंट कॉफी पाउडर भी ले सकते हैं या नॉर्मल कॉफी पाउडर भी यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी पाउडर के अंदर होता है दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये हमारे दांतों को बेहतर तरीके से पॉलिश करने में हमारी मदद करता है। इस 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर के अंदर हमें लगभग 2 टेबलस्पून कोई भी टूथपेस्ट, जो किसी भी ब्रांड का हो सकता है, आप आसानी से इसके अंदर मिला दीजिए। ये जो टूथपेस्ट है इसके अंदर क्योंकि फोम मेकिंग एजेंट होते हैं, झाग बनाने वाले कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो ये बहुत इजीली हमारे टार्टर को सॉफ्ट कर देंगे और ये कॉफी पाउडर उन्हें बहुत इजीली निकालने में हमारी मदद करेगा। तीसरी जो चीज दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल हमें यहाँ पर लगभग 1/2 टेबलस्पून मिलाना है। नारियल का तेल जो है वो थोड़ा सा स्लिपरी बना देता है इसको, जिसकी वजह से हमारे दांतों में चमक आती है और हमारे जो मसूड़े हैं जिनके अंदर कालापन आने लगा है, जो पिगमेंटेड हो गए हैं, जिनके अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया है, तो वो मसूड़े भी अब हमें गुलाबी दिखाने में हमारा जो नारियल का तेल होता है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 4 जो दोस्तों इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है नींबू का रस। नींबू का रस लगभग 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और एक नींबू का रस अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो उससे सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये कि जो पीलापन जो है वो धीरे धीरे हटने लगता है, क्योंकि नींबू के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों को बेहतर दिखाने में हमारी मदद करती हैं। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो चीज दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है लगभग 2 से 3 लौंग का पाउडर, जो बना करके हमें घर में ही तैयार कर लेना है, और इस पाउडर को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। लौंग का पाउडर जो है वो मुंह से आने वाली जो दुर्गंध है उसको दूर करता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर जो पाइलिया हो जाता है या जो जिंजिवाइटिस की जो प्रॉब्लम हो जाती है उससे छुटकारा मिलने में हमें मदद मिलती है। इन 5 चीजों को आप अच्छे से मिला लीजिए। आपने लिया है कॉफी पाउडर, आपने लिया है टूथपेस्ट, उसके बाद आपने नारियल का आपने तेल लिया था, फिर आपने मिलाया नींबू का रस, और लास्ट में आपने लौंग का पाउडर मिलाया है।
इन पांचों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। अब मिला करके जो मिक्सचर आपका तैयार हो गया है, इसे एक एयरटाइट डिब्बी के अंदर भर करके रख लीजिए। जब आप इसे एक एयरटाइट डिब्बी के अंदर भर के रख लेंगे, अब आपको रोजाना सुबह और शाम को अपने टूथपेस्ट पर इसी टूथपेस्ट को लगाना है, जिसे एक्चुअली आपने भी पांच इंग्रेडिएंट से बनाया है, और इससे अपने दांतों को साफ कीजिए। लगभग 5 से 7 मिनट आप अच्छे से धीरे धीरे प्रेशर से आप इसे रब कीजिए अपने दांतों पर। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके जो दांतों का पीलापन था वो कम होने लग गया है, आपके दांतों में चमक आने लगी है, आपके दांतों में जमा प्लाक, आपके दांतों में जमा टार्टर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपके दांतों के अंदर चमक जो है वो बढ़ती जा रही है, और आपकी मुस्कुराहट जो है उसकी जो कीमत थी वो एक्चुअली बढ़ती जा रही है। सो दोस्तों, मेक श्योर कि आप इसे 15 दिन से ज्यादा ना बना करके रखें। 3 साल से ऊपर के किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को, व्यक्ति को, बुजुर्ग को आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हो। 3 साल से जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मसूड़े थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो नींबू का रस या जो लौंग हमने डाला है उसे शायद वह बेयर नहीं कर पाए, लेकिन 3 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग इसे आराम से इस्तेमाल कर सकता है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो के अंदर जो जानकारी दी आपके दांतों को चमकाने के लिए, आपकी मुस्कुराहट को बेहतरीन बनाने के लिए, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा। हम इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रोजाना आपके लिए 1:30 बजे लॉन्च करते हैं, लाइव करते हैं, और किसी किसी दिन तो हम 2 वीडियोज के लिए भी लाइव करते हैं, जिसमें से पहला वीडियो होता है दोपहर को 1:30 बजे और दूसरा होता है शाम को 7 बजे। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस का कोई भी गिमिक, कोई भी चीज आपसे छूट ना जाए। सो मेक श्योर कि आप आज से ही हमें फॉलो कर रहे हैं और हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।